જય સ્વામિનારાયણ. આપણે અત્યારે આજના આ કાર્યક્રમના પ્રારંભમાં મને સંતો અહીંયા બહુ ધામધામથી સંતો પધાર્યા છે ત્યારે સંતોને કહેતા આનંદ થાય છે. અહીંયા જે યુવાનો છે એ બધા જ વડતાલ ગામના નિવાસી છે, વડતાલમાં રહેનારા છે, વડતાલમાં રહે છે, દર્શન સેવા કરે છે અને સાથે સાથે આપ સૌને રાજી કરવા માટે આવી મહેનત કરે છે. તો અત્યારે વડતાલ મંદિરના યુવક મંડળના બાળકો અને યુવાનો એક સ્વાગત નૃત્ય લઈને આવે છે. તો અત્યારે સ્વાગત નૃત્ય વડતાલ યુવક મંડળના બાળકો. મારે તમ સંગ પ્રીત બધાણી રે ગુણવંત
బోలు స్వామినారాయణ భగవాన్ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ దేవకి ఊంచా హాత్ కరే ఏక వార్ పునః జయ ఘోష్ కరిషు బోలో శ్రీ హరే కృష్ణ మహారాజ కే ఆయే ఇస్ సభా మే భగవాన్ స్వామినారాయణ నే జిస్ మందిర్ కి నీవు రఖీ తి భగవాన్ స్వామినారాయణ నే జిస్ మందిర్ మే ప్రతిష్ట కీ తి ఐసీ మందిర్ కి పవన్ పరిభూమి మే పరిసర మే వర్తా లక్ష్మీనారాయణ దేవ్ వర్తమాన్ పీఠాధిపతి పరమ పూజ్య ధర్మధురంధర్ ఏక జారాట్ ఆచార్య మహారాజ్ శ్రీ దోనోలాల్జీ మహారాజ్ సంప్రదాయ కే వరిష్ఠ సద్గురు సంత్ సభి బిరాజమాన్ హే హమ్ సబ్ లోగ్ ఏక వార్ పునః తాలికా కరతల్ ధ్వని చే దలేర్ మెహందీజీ ఔర్ ఉన్కి టీమ్ కో స్టేజ్ పర్ మంచ్ పర్ ఆహుత్ కరెంగే ఆయే आपका वर्ताल संस्थान के परिसर में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। जोरदार तालियां। दलेर मेहंदी जी प्लेबैक सिंगर है ऐसा हम लोग जानते हैं, वो सही है लेकिन वो जानकारी पूर्ण नहीं है। दलेर मेहंदी जी का व्यक्तित्व संगीत के साथ साथ एक आदर्श भक्त के स्वरूप में है। वो जब जब जहाँ जहाँ भी रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते हैं पहले परमात्मा की स्तुति करते हैं, अपने गुरुजनों को वंदन करते हैं और बाद में गाना शुरू करते हैं। और आज हमारे बीच में है, पुनः करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। भारत में पॉप म्यूजिक को लाने का श्रेय फिल्म जगत में यदि किसी के नाम लिखा गया है तो वो श्रेय भारत के दिग्गज गायक दलेर मेहंदी जी के नाम लिखा हुआ है, इसीलिए उनको किंग ऑफ पॉप म्यूजिक कहा जाता है। आज इस दरबार में किंग ऑफ पॉप म्यूजिक हाजिर है। वैसे तो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, सिख है, उनके दिल में महात्माओं के प्रति साधुजनों के प्रति बहुत आदर है। मुझे खुशी उस बात की है कि आप अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन एक बात हम लोगों को जान करके खुशी तब हुई कि उनका गाना जितना अच्छा है उससे अच्छी उनकी गायों की सेवा है। अपने आवास में 17 से अधिक गायें रख करके स्वयं सेवा करते हैं, ऐसे गौ भक्त भी है। और पर्यावरण के प्रति उसका प्रेम क्या है उसको बयां करने के लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगा, उन्होंने अभी तक 10,00,000 पौधे स्वयं बोए हैं और उसका पालन पोषण किया है। ऐसे दलेर मेहंदी जी हमारे बीच उपस्थित है और संगीत संध्या का प्रारंभ करें उससे पूर्व मैं दलेर मेहंदी जी के लिए एक अर्जु रखूंगा कि वो हमारे आचार्य महाराज जी है, उनका पुष्पहार अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आचार्य जी महाराज और परम पूज्य सिद्धगुरु श्री ज्ञान जीवनदास जी स्वामी उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दलेर मेहंदी जी उनकी फैमिली, वैसे उनकी जो इंडस्ट्री है ना वो अभी बहुत चर्चे में है, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उनके पूरे फैमिली में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता है। पूरा का पूरा परिवार निर्व्यसनी है। आचार्य महाराज नु पूजन करी आशीर्वाद ग्रहण कर रिया छे। जोरदार तालियोनो नाद। परम पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान जीवनदास जी स्वामी चमकता मोतीडानी माला पहेरावे छे। महाराजश्रीए ड्राई फ्रूट नी माला पहेरावी छे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज ने। वैसे तो दलेर मेहंदी जी के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड है, दलेर मेहंदी जी के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड है, लेकिन एक बात आश्चर्य की ये है उनके सारे के सारे रिकॉर्ड कोई और नहीं, वो स्वयं तोड़ रहे हैं, सारे रिकॉर्ड वो स्वयं ब्रेक कर रहे हैं। अभी अभी सूर्यवंशी फिल्म का टाइटल सॉन्ग आया है, वो भी उनके कंठ से है। आइए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं समग्र सभा की ओर से विनती करूँगा। दलेर मेहंदी जी आइए। दलेर मेहंदी जी, मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ और बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मैं
बड़ताल में आया हूँ और उस मंदिर के दर्शन किए हैं जिसे स्वयं स्वामी नारायण महाराज जी ने, भगवान ने अपने हाथ से बनाया। और आप सब संत जनों को भी देख के बहुत बहुत खुशी हो रही है। आचार्य जी का भी और गुरु ज्ञान जीवनदास जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे परम मित्र, मेरे दोस्त श्री विनोद पटेल जी, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बदौलत आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। शुरू करते हैं एक ऐसा माहौल जहाँ पे आप और हम और साडा रब साडा भगवान स्वामी नारायण जी, कोई कमी पेशी रह जाए तो पहले ही आप सबसे गुजारिश है कि आप आशीर्वाद दीजिएगा कि सारी चीज़ें नेक और अच्छी हों, गलती हो जाए तो पहले ही माफ़ी चाहेंगे। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सतसाच सतसाच श्रीनिवास आदि पुरख सदा तू ही
चलती हवाएं महकती दिशाएं ये सांसों की हलचल कहती है पल पल ये चलती हवाएं महकती दिशाएं दिव्यम नमो प्रेम रूपम नमो वृष्टि रूपम दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते नमो 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 न
और गोपियां भी मस्त श्री धर मस्त और गोपियां भी मस्त श्री धर मस्त और गोपियां भी मस्त श्री धर मस्त और गोपियां भी मस्त गोपाल मस्त और द्वारपाल मस्त गोपाल मस्त और द्वारपाल मस्त ओ गोपाल मस्त और द्वारपाल मस्त गोपाल मस्त और द्वारपाल मस्त भक्तों की मस्ती में श्याम की मस्ती भक्तों की मस्ती में शाम की मस्ती में भक्तों की भक्ति में शाम की मस्ती में भक्तों की मस्ती में शाम की मस्ती में श्रीमन राधे राधे बोलिए श्रीमन राधे राधे बोलिए तो शाम उसी के होलिए तो शाम उसी के होलिए जो मस्त मक्खन पेड़े वाले मस्त मथुरा वाले मस्त मक्खन पेड़े वाले मस्त अरे मथुरा वाले मस्त मक्खन पेड़े वाले मस्त मथुरा वाले मस्त मक्खन पेड़े वाले मस्त ओ कैया वाले मस्त गांव खेड़े वाले मस्त कैया वाले मस्त गांव खेड़े वाले मस्त अरे मथुरा वाले मस्त मक्खन पेड़े वाले मस्त मथुरा वाले मस्त मक्खन पेड़े वाले मस्त पड़ताल वाले मस्त कुंडल धाम वाले मस्त पड़ताल वाले मस्त गोकुल धाम वाले मस्त
पड़ताल वाले मस्त, कुंडल धाम वाले मस्त, पड़ताल वाले मस्त, कुंडल धाम वाले मस्त। भक्तों की भक्ति में श्याम की मस्ती में, भक्तों की भक्ति में श्याम की मस्ती में। मस्त जगन्नाथ वाले मस्त, जगन्नाथ मस्त, जगन्नाथ वाले मस्त, जगन्नाथ मस्त, जगन्नाथ वाले मस्त, जगन्नाथ मस्त, जगन्नाथ वाले मस्त। द्वारका वाले मस्त, पंढरपुर वाले मस्त, द्वारका वाले मस्त, पंढरपुर वाले मस्त। भक्तों की मस्ती में श्याम की मस्ती में, भक्तों की मस्ती में श्याम की मस्ती में। राजस्थान वाले मस्त, नाथ द्वारे वाले मस्त, राजस्थान वाले मस्त, नाथ द्वारे वाले मस्त, राजस्थान वाले मस्त, नाथ द्वारे वाले मस्त, राजस्थान वाले मस्त। कुरुक्षेत्र वाले मस्त, हरियाणा वाले मस्त, कुरुक्षेत्र वाले मस्त, हरियाणा वाले मस्त। दही हांडी वाले मस्त, महाराष्ट्र वाले मस्त, दही हांडी वाले मस्त, महाराष्ट्र वाले मस्त। द्वारका वाले मस्त, गुजरात वाले मस्त, द्वारका वाले मस्त, गुजरात वाले मस्त, ओ द्वारका वाले मस्त, गुजरात वाले मस्त, द्वारका वाले मस्त, गुजरात वाले मस्त। राधा रानी मस्त, बरसाने वाले मस्त, राधा रानी मस्त, बरसाने वाले मस्त। ओ श्याम की शरण में आने वाले मस्त, श्याम की शरण में आने वाले मस्त, श्याम श्याम की शरण में आले वाले मस्त, श्याम की शरण में आले वाले मस्त। जो राधे राधे बोलिए, जो राधे राधे बोलिए, तो श्याम उसी के होलिए, तो श्याम उसी के होलिए।
से घर से कोई मांगे दौलत, कोई मांगे शौहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी, मैं कुछ ना मांगू, मैं हरि की बांधी बांधी बोलते हैं गुलाम, और हम सब नाथी हैं और एक नाथ है प्रभु नाथ बस। तो कोई मांगे दौलत, कोई मांगे शोहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी, संत जन क्या कहते हैं, मैं कुछ ना मांगू, मैं तेरी बांधी, मैं तेरे दर की नौकर हूं बस। मैं कुछ ना मांगू, मैं तेरी बांधी, ओ तेरे नाम पे जीना मरना, ओ तेरे नाम पे जीना मरना, कर मेहरबानी।
बोलो लक्ष्मी नारायण देवनी। अपना भजस अपना भजस भजस कब भाई आवे अंत ना भजया स्वामी नारायण 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 नरपत नमस्कार ऐसे गुरु को पल पल जाइए आप मुकद मोहे तारे एक सुप्रीम पावर एक ही प्रभु जो बार बार हर बार करोड़ों सालों से अपने सिर्फ थोड़ी अंश भेजता है। वो एक ऐसा राजा महाराज श्री गुरु से मार लिखते हैं गुरु गोविंद से मार लिखते हैं वाणी में वह ऐसा राजा राजन के राजा महाराजन के महाराज जो सदियों से राजा बनाता है और राजे हटाता है पर वो अटल वो अकाल पुरख वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है और भगत कबीर कहते हैं नहीं हरि समान प्रभु जैसा राजा कोई नहीं हो सकता नहीं हर समान कोई राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा
सचेत मूढ़ मन मेरे चेत अचेत मूढ़ मन मेरे बाजे अनहद बाजा अनहद बाजा काया हाथ में माया ऐसा स्वामी वर दो कंचन काया हाथ में माया ऐसा स्वामी वर दो कंचन काया हाथ में माया ऐसा स्वामी वर दो कंचन काया हाथ में माया ऐसा स्वामी वर दो कभी किसी का बुरा ना सोचे ऐसी बुद्धि कर दो किसी का बुरा न सोचे ऐसी बुद्धि कर दो स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण 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 में माया कंचन काया ऐसा स्वामी वर दो हाथ में माया कंचन काया ऐसा स्वामी वर दो कभी किसी का बुरा ना सोचे ऐसी बुद्धि कर दो कभी किसी का बुरा ना सोचे ऐसी बुद्धि कर दो स्वामी नारायण हरि हरि स्वामी हर हरे हर 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 हरे स्वामी हर 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 हरे 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 श्रीमन हर 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 हरे श्रीमन हर 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 हरे सहजानंद दया करीन तमारो आनंद आपो हे सहजानंद दया करीन तमारो आनंद आपो हे सहजानंद हे सहजानंद दया करीन तमारो आनंद आपो हे सहजानंद दया करीन जापो तमने राजी करवा वाला जब ये तुम्हारे जापो
संत जन भी झूमेंगे रास में, ओ श्याम सखियां झूमेंगी रास में। जी आवो जी आवो जी आवो 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 जी आवो जी आवो जी आवो आवो श्याम सखियां झूमेंगी रात में, श्याम सखियां झूमेंगी रात में, ओ संत जन भी झूमेंगे रात में, ओ संत जन भी झूमेंगे रात में, संत जन भी झूमेंगे रात में, ओ संत जन भी झूमेंगे रात में। संत जन भी झूमेंगे रात में।
जब मैंने कहा कि संत जन भी झूमेंगे रास में, तो संत जन बोल रहा हूँ तो आप सब महान संत ही हो ना, तो भगवान की खुशी में जरा उठिए, जरा थोड़ा रास तो हो क्या मतलब? चलिए महाराजो, चलिए जरा खड़े हो जाइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए सारे संत, जाओ युवान संत जाओ, प्रभु के लिए नाचना भैया, जल्दी आओ। वही बड़ताल में तो भाग्यशाली नाचते हैं बड़ताल में आके। महाराज आप जरा थोड़ा आदेश दीजिए ना, आई हो गया था बहुत देर। हर संत जन भी झूमेंगे रास में, 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 श्याम सखिया झूमेंगे रास में, श्याम सखिया झूमेंगे रास में,
साथ में। वाह वाह, जोरदार ताली एक बार। ये जो भजन है गुरु ज्ञान जीवन दास स्वामी जी महाराज ने ये बहुत अच्छा भजन लिखा है। और मैं बहुत लकी हूँ कि इनका लिखा हुआ भजन मैं गा रहा हूँ। और मैं हैरान भी बहुत हुआ क्योंकि मैं पिछले 15-20 दिन से सोच रहा था कि मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं, पर स्वामी जी को सिर्फ थोड़ी अर्जी गई और 5 मिनट में स्वामी जी ने यह पूरा भजन लिख दिया। तो एक आप सबकी ब्लेसिंग से एक महान पुरुष ने गाना गाया था 95 में, वो पूरे जगत में बहुत हिट हुआ, वो आपकी कृपा से आपके सामने खड़ा है, दिलेर मेहंदी। ऐसा गाना गाया के कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा देश हर धर्म का आदमी एक ही ताल पे नाचा और बहुत नाचा, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो ये वो गीत है जो अब महान होने वाला है क्योंकि स्वामी जी ने इसको अपनी कलम दी है।
Once more. ये इतना अच्छा भजन है, इतना अच्छा लिखा है once more का, मैं तो सारी रात गाता रहूं। लेकिन आप पीछे के, अब आप पीछे वाले सब नाचेंगे ताकि रास में जरा सबका, तो जरा तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए फटाफट पीछे, इतने पूरा इतना ये बड़ताल धाम की रास पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जहाँ जहाँ भी स्वामी नारायण जितने भी भक्त हैं सब आपको देख रहे हैं, तो ऐसी मौज होनी चाहिए कि बस मजा आ जाए इस बात का। Yeah, that's
આમાં આટલી મજા આવે છે તો મહારાજ રાસ લેશે ત્યારે કેટલી મજા આવશે. એકવાર જોરદાર તાળીઓના નાદથી આ કાર્યક્રમને વધાવીશું. હું વચ્ચે વિનંતી કરીશ, દલેર મહેંદી સાહેબને અહીંયા લઈને આવ્યા છે એવા આપણા સત્સંગના એક શ્રેષ્ઠ હરિભક્ત વિનોદભાઈ સભામાં ઉપસ્થિત છે, તો આચાર્ય મહારાજ પાસે અને પૂજ્ય ગુરુજી પાસે આવશે. વિનોદભાઈ એ ઘણી વખત સંસ્થાના ત્વરિત કાર્યોમાં કડીરૂપ બનતા હોય છે અને આજે પણ આ કાર્યમાં કડીરૂપ બન્યા છે. તો પરમ પૂજ્ય ધર્મધોરણધર 1008 આચાર્ય મહારાજશ્રીના કંઠમાં પુષ્પમાળા પહેરાવી આશીર્વાદ લઈ રહ્યા છે. પૂજ્ય ગુરુજી પણ રૂડા આશીર્વાદ પાઠવશે. તહે દિલ સે આચાર્ય રકેશ પ્રકાશ પ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજ બહુત બહુત ધન હો ગયા આપ ભી હમારે બીચ મેં તો સબકો આશીર્વાદ દીજીએ કિસી તરહ હમ લોગ અચ્છા ભજન હરિગુણ કરતે રહે ઓર સ્વામી ગુરુજી એક મેરા જી એક મેરા ગીત હૈ જો કે 21 સાલ પહેલે મેને ગાયા થા તો પૂરે વર્લ્ડ મેં બહુત બહુત અભી તક ફેમસ હર હર એક ઘંટે બાદ वो पूरे वर्ल्ड में उसके फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है. वो गाना इसलिए मैंने बताया बनाया था कि जब मैंने 95 में बोलो तारारा मेरी एल्बम हिट हुई तो लोगों ने बोला कि ठीक है एक एल्बम हिट हो गई है, चलो फ्लूक से देखते हैं कि दूसरा क्या होता है. तो दूसरा गाना डरदी रब रब बहुत मशहूर हुआ 96 में, छुई हुई बहुत बहुत अच्छा चला. उसके बाद फिर सडन आर रहोगे ऐश करोगे वो बहुत बड़ा गाना हो गया. फिर एक एल्बम आई होगी तेरी बल्ले बल्ले 98 में, वो ही बहुत हिट हुआ. तो उसके बाद कुछ जो लोग मेरे नाम से बहुत परेशान हो रहे थे कि रातों रात ये पंजाबी गाने वाला आदमी एकदम सामने पूरे वर्ल्ड में कैसे छा गया. और मेरा मैं जन्मा बिहार में हूँ, तख्त श्री पटना साहब मेरा जन्म बिहार का है. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पंजाबी पॉप भी गाऊंगा. मैं गज़लें ठुमरी मैंने सीखी, मेरा क्लासिकल घर में माता पिता तरफ से मुझे बहुत अच्छा कीर्तन रागों में सीखने को मिला. खुश नसीबों के गुरु घर में पैदा हुआ तो गुरु ग्रंथ साहब के माथे लगे उनके चरणों में, तो सारे समाज से सारे वर्ग से प्यार हो गया. तो लोग कहते हैं कि इसलिए गाने हिट हैं दलेर मेहंदी के लिए, इसलिए गाना चल रहा है क्योंकि उसके म्यूज़िक बहुत तेज़ होता है और उसके ग्रुप में क्योंकि फीमेल डांस करती है इसलिए गाना हिट है. तो इस बात का मेरे मन में बहुत दुख लगा और मैंने कहा कि अब मैं ऐसा गाना बनाऊंगा जिसमें सिर्फ दलेर मेहंदी होगा, दलेर मेहंदी की आवाज़ होगी, कोरस भी मैंने मेल फीमेल कोरस नहीं लिया, मैंने खुद ही गाऊँगा और ऐसा गाना बनाऊँगा जिसके अंदर सिर्फ मैं ही होऊँगा और कोई दूसरा आदमी नज़र नहीं आएगा. तो वो जब मैंने गाना बनाया तो कंपनी बहुत घबरा गई, बोलते कि ग्लैमर चलता है, लोग नहीं देखेंगे, एल्बम पिट जाएगी. तो जो गाने के बोल थे वो ये है कि ये जो एक मिनट सुर बंद करो बेटा, ये जो मेरी बॉडी है ये तंबूरा है. ठीक है, अब हंसने के बाद तो समझ आती कि तंबूरा है लेकिन असल में ये तंबूरा है और जो हमारी सांसें हैं वो हमारी तार है. तो आपने देखा होगा कि नारायण जी ने तंबूरे को बजाया और तंबूरे में आवाज़ निकली तुनु तुनु धुनु 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 तुनु तुनु. ये संत जन युगों युगों से तंबूरे को बजाते हैं कि उसमें बिल्कुल अंदर का अजप्पा जाप जो धुन है वो जागृत होती है. तो मैंने फिर ये गाना बनाया जो कि पूरा ही समर्पित था एक रब के लिए. वो गाना तो बनाया मैंने रब को सोच के और नारायण का
तंबूरे की आवाज ली, वो गाना पूरे दुनिया में ऐसा चला कि ऐसी ब्लेसिंग हुई कि उसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। अरे महाराज ये गाना ऐसा बना के ढोल ना बजे तुम्हें वर्दे है कि प्रभु से प्यार कर रहे हैं, दुनिया यारा रंग बिरंगी ना ये पढ़ने, दुनिया रंग बिरंगी ना ये अच्छी है ना बुरी है, अगर देखने जाओगे तो सारों लोग जाके समझ नहीं आएगी, अच्छा कहने जाओगे तो भी दे लगे, इसलिए इससे परे होके अपनी सांसों को अपने तंबूरे को इस तरह इस्तेमाल कर के प्रभु के स्मरण में तार जुड़ जैसे दिमाग। तो ये बहुत गाना तो मैं हर जगह गाता हूँ लेकिन पहली बार इस गाने की जो व्याख्या थी वो लोगों को समझ आए, वो व्याख्या की यही है और यही वजह महाराज के एक गाना एक ऐसी धुन है ये वाली कि इसको साउथ कोरिया, जापान, चिली, ब्राज़ील अलग अलग प्रांत की भाषा वाले लोग इसके ऊपर बहुत झूमते हैं, बहुत नाचते हैं क्योंकि ये ट्रू म्यूज़िक है, सिर्फ सच्चाई म्यूज़िक और म्यूजिक की कोई भाषा होती नहीं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एक बार फिर लास्ट में श्रीमान राधे राधे गाऊंगा, तो मुझे सबसे ये मेरी गुजारिश है मेरे साथ मिलके आप मेरे साथ सुर में सुर जरूर मिलाइएगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी जी। स्वामी भक्तों एक और बहुत बड़ा गीत है जो कि महाराज जी ने
वो भी 5 मिनट के अंदर ये गाना पूरा किया। तो ये भक्ति गीत है, तो गुरु स्वामी जी के लिए पहले जोरदार ताड़ियाँ। और मैं ये भी 15 दिन से सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर लाइन क्या लिखूं। गाना बहुत बड़ा है और गाना इतना बड़ा है स्वामी जी, इस गाने ने पिछले 10 साल के पूरे वर्ल्ड के यूट्यूब के गूगल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये गाना 83 मिलियन हो चुका है 2 हफ्ते के अंदर। 20 दिवस में 803 करोड़। और ये गाना है, रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा, ये हो डगर वो हो डगर, बहुत बड़ा गाना जो कि अभी सूर्यवंशी फिल्म का रिलीज हुआ है। तो इसमें भक्ति रस देखिए स्वामी जी ने कितना कमाल डाला है। मस्ती भरी रात है,
सुबह शाम स्वामी महाराज ये इसका बंदिश का रूप और रंग देखिए कितना है। सुबह शाम तेरे नाम वाह क्या बात गाते रहे गाते रहे सुबह शाम हरी हरे जिन्होंने हिंद की खातर अपना शीश का बलिदान दिया महाराज की वाणी नौवें पातशाह की वाणी काहे रे बन खोजन जाई काहे काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अले पा तो ही संग समाई जंगल जंगल क्या भवे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं जंगल ढूंढा वेला ढूंढा ढूंढ थकी मैं रोई घट घट में नौवें पातशाह घट घट में हर चू बसे इतना गुरु ग्रंथ साहब का सार है वो ये है कि बस दिन रात एक एक पल सदा हरि कीर्तन में जाए बस एक जी थैंक यू धन्य हो हर पल हरि कीर्तन में जाए हर दिन रैन
हर दिन रैन कीर्तन गाइए बहड़ना जोनी पाइए। अगर 84 लाख जून को पार करना है तो गुरु नानक साहब का कहना है कि हरदम कीर्तन करो, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे जो इहां उहां काम तेरे, जो यहां भी काम आए और वहां भी काम आए। तो एक ही नाम सिर्फ हर गुण, तो ये कुछ पंक्तियां गुरुवाणी से मैंने गाई। और ये भी ध्यान रखते कहते हैं जब गुरुवाणी गाई जाए तो संगत बिल्कुल नीचे होनी चाहिए, तो वो भी माहौल है कि महान संत पुरुष गुरु स्वामी सब आराम से संगत की तरह नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने 2-4 पंक्तियां गाई महाराज। अब मैं वापस गीत पे आ रहा हूँ जो मैंने राधे राधे बोली। मैं चाहूँगा सब गाइएगा, ऐसा गाइएगा। और आप एक और बात बताना चाहता हूँ कि स्वामी नारायण टेम्पल के अंदर जितना म्यूजिक सुर में महाराज मैंने सुना, आपके एक एक संत जन बहुत सुरीला गाते हैं, बहुत ही अच्छा बजाते हैं, बहुत सुरीला, तो बहुत खुशी होती है यहाँ पे। तो ये मेरी गुजारिश है सब मेरे साथ गाइएगा। जो हर 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 बोलिए, जो हरि हर हरि हर बोलिए, तो श्याम उसी के होलिए। श्रीमन राधे राधे हो राधे राधे गुजरात वाले मस्त, गुजरात वाले मस्त, पड़ताल वाले मस्त, गुजरात वाले मस्त, पड़ताल वाले मस्त, गुजरात वाले मस्त, प्रभु नाम वाले मस्त, हरि नाम वाले मस्त, नाम वाले मस्त, हरि नाम वाले मस्त। संतों की बस्ती में, संतों की बस्ती में, संतों की बस्ती में, प्रभु की बस्ती में, संतों की बस्ती में, प्रभु की मक्खन पेड़े वाले मस्त, मस्त, मक्खन पेड़े वाले मस्त,
मस्त गुजरात वाले मस्त, राखा वाले मस्त गुजरात वाले मस्त, कुरुक्षेत्र मस्त हरियाणे वाले मस्त, कुरुक्षेत्र मस्त हरियाणे वाले मस्त, स्वामी नारायण मस्त, नारायण मस्त स्वामी नारायण मस्त, नारायण मस्त स्वामी नारायण मस्त, नारायण मस्त स्वामी नारायण मस्त, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नमो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन राधे राधे बोलिए, श्रीमन राधे राधे बोलिए, ओ श्याम उसी के होलिए, ओ श्याम उसी के होलिए, कुंडल धाम मस्त बस्त, कुंडल धाम मस्त, कुंडल धाम मस्त बस्त, कुंडल धाम मस्त, कुंडल धाम मस्त, कुंडल धाम वाले मस्त, कुंडल धाम मस्त, कुंडल धाम वाले मस्त, पड़ताल वाले मस्त, पड़ताल धाम वाले मस्त, पड़ताल वाले मस्त, पड़ताल धाम वाले मस्त, शाम की भक्ति में संतों की मस्ती में, शाम की भक्ति में संतों की मस्ती में, हरी श्रीमन राधे राधे
स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री रणछोड़ राय की जय। जय।